सोचते होंगे कि मुंबई क्यों गया, ये क्या करता है नहीं करता, तो मैं यहाँ पे मैं हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज है 13 दिसंबर एंड आज मैं जा रहा हूँ बिहार से मुंबई, मैं जा रहा हूँ अपने घर से। मेरा घर बिहार में है, नीचे में मेरे पापा मम्मी वहाँ पर वेट कर रहे हैं। मेरे पापा जाएंगे छोड़ने के लिए स्टेशन यहाँ से, तो अभी चलते हैं नीचे और सबको प्रणाम करके अभी निकलेंगे अपने जर्नी में। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे हैं भगवान जी, तो सबसे पहले जो भी काम करते हैं हम लोग, कोई शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले माँ भगवती नरसिंह जी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं। तो चलिए पहले प्रणाम कर लेते हैं। फाइनली अभी हम यहाँ पे आ गए हैं स्टेशन पे और यहाँ पे लगी है ट्रेन मेरी, अभी जा रहे हैं बैठने के लिए अंदर में। अब ढूंढना पड़ेगा सीट, सब कहाँ पे है क्या है, तो फिलहाल अभी जा रहे हैं। फाइनली गाइस हम मुंबई पहुंच गए हैं और रात में जो ट्रेन का सफ़र रहा 2 दिन का, ये इतना घटिया सीन था भाई ट्रेन का सफ़र वाला, इतना घटिया था। एक्चुअली हुआ क्या, मैं जो भी काम करता हूँ इंस्टेंट करता हूँ, मैं पहले से कोई प्लान बना के कहीं पे जाना रहेगा तो कोई प्लान नहीं बनाता, डायरेक्ट जो मन किया जहाँ जाने का निकल जाता हूँ वहाँ पे। तो फिर मुंबई आने का कुछ ऐसा ही सीन था, मुंबई आने का जब मेरा मन किया तो फिर टिकट में देखता हूँ आई सिटी साइड पे, फिर टिकट देखा तो फिर टिकट कोई अवेलेबल है ही नहीं। फिर उस पर अगर 1-2 दिन का मैं टिकट देखता हूँ तो वहाँ पे 300, 400, 200 वेटिंग दिखा रहा है और कोई टिकट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इतना वेटिंग है तो 25 या 26 दिन बाद का टिकट लेंगे तो शायद कंफर्म हो सकता है। मैंने ये सोच के 25 या 26 दिन बाद का टिकट निकाला, बट हुआ क्या कि जैसे ही 12 दिसंबर आया, फिर मैं टिकट चेक कर रहा हूँ शाम में, तो उस टाइम पे था करीबन 42 था वेटिंग पे, फिर मैं तो शॉर्ट हो गया। फिर सुबह में जैसे ही 13 दिसंबर आया, जब मैं मॉर्निंग में सो के उठा करीबन 6 या 7 अराउंड हो रहा था सही टाइम, फिर मैं चेक कर रहा हूँ तो सीधा 22 पे आ गया, घट के 42% आ गया। जैसे ही फिर 10 बजे मैं चेक कर रहा हूँ टिकट, 22% 3 पे आगे घट करके डायरेक्ट, फिर मैं तो खुश हो गया कि भाई चलो ज़्यादा टाइम कंफर्म हो जाएगा। फिर मम्मी इधर खाना बना दी, इधर सब कुछ जाने का तैयारी हो चुका था, सामान वामान सब पैक कर लिए थे, हम सोचे कि नहीं 3 पे आ गया अब कंफर्म हो जाएगा शायद ज़्यादा टाइम, और मेरा ट्रेन था 1 बजे का। और जैसे ही हम घर से निकले और रास्ते में चेक कर रहा हूँ टिकट में अपना, तो 1 वेटिंग पे आ गया, उस टाइम पे 4 पीरियड नहीं हुआ था। तो फिर हम सोचे कि चलो स्टेशन पे पहुंच के शायद कंफर्म हो जाएगा। भाई साहब
स्टेशन में पहुँचे, वीडियो शूट कर लिए, सब कुछ हो गया। उसके बाद में टिकट चेक नहीं किया मेरे, उसके बाद मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है कि योर टिकट आर नॉट कन्फर्म्ड, योर PNR नंबर इतना इतना इतना। इतना ज़्यादा गुस्सा आया उस टाइम पे भाई साहब, मतलब कि एक तो मैं टिकट उतना नहीं पहले लेता नहीं, और उतना नहीं पहले टिकट लिया, उसके बावजूद भी योर टिकट आर नॉट कन्फर्म्ड ये मेरे को मैसेज आया, सुनने को मिला। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मैं सोचा कि नहीं जब टिकट लिए हैं, प्लान बन गया है तो जाएंगे भली जो हो जाए। तो फाइनली मैं ट्रेन में जाकर बैठ गया, मेरा टिकट था स्लीपर का, हम गए स्लीपर में, बट स्लीपर में इतना ज़्यादा भीड़ था तो फिर कोई वहाँ पे सीट देता नहीं, बस वहाँ पे गया फिर घूम करके पूरा देखा कहीं पे खाली नहीं था, सब सीट फुल था, बहुत ज़्यादा क्राउड था उसमें भी, तो फिर वहाँ पे छोड़ दिए। तो फिर गए सेकेंड सीटिंग में, मेरे पास वही लास्ट ऑप्शन था, अगर उसमें नहीं होता तो कहीं भी नहीं होता। तो क्या किए हम, तो वहाँ पे गए, जो वहाँ पे बैठा था मेरे, मतलब मेरे ही शायद एज ग्रुप का था वो बंदा, तो वहाँ पे गए उससे बात किए कि भाई ऐसे ऐसे बात है मेरे साथ, ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसने बोला ठीक है आप बैठ जाओ इधर, एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। तो वो बैठने नहीं दे रहा था पहले भी, तो भी कैसे कैसे करके उनको बोले कि भाई एडजस्ट कर लो कैसे वैसे करके, उसने एडजस्ट किया, आए। इतना ज़्यादा क्राउड था उसमें भी, इतना ज़्यादा सोचा भी नहीं था कभी कैसा भी हो सकता है। फाइनली कुछ भी करके मुंबई आ गए, और फिलहाल अभी मैं जहाँ पे हूँ ये है अंधेरी का महाडा, अभी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ फिलहाल। ये रूम जो है मेरे दोस्त लोग का है, तो वो लोग पहले से लिया हुआ था, तो उसके रूम पे अभी हम आए हुए हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं हूँ स्ट्रगलर एक्टर, अगर जो लोग नहीं जानते होंगे तो लोग अब जान जाइएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो मैं हूँ स्ट्रगलर एक्टर, और मैं यहाँ पे एक्टिंग के लिए आया हूँ, तो मैं सीरियल या फिल्म वगैरह में कोई भी काम मिल जाए तो मैं कर लूँगा, कर लेता हूँ और कर लूँगा। तो फाइनली मैं इसी के लिए यहाँ पे आया हूँ, और पहले भी मैं काम कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो जाकर फेसबुक पे देखिए, फेसबुक में पोस्ट डाला हूँ, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा, एंड तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आप लोग